Hi friends, in this video we'll study chapter number 1, A Letter to God, from your first flight test book of subject English, class 10th. कैसे हो दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की इंग्लिश सब्जेक्ट की फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक में से पहला चैप्टर करेंगे, अ लेटर टू गॉड. आई एम कन्हैया पटेल फ्रॉम गुरु ज्ञानवाणी. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट्स. मेरा नाम कन्हैया पटेल है गुरु ज्ञानवाणी चैनल से. कृपया करके मेरी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें. टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट द चैप्टर, दिस चैप्टर इज अबाउट अ फार्मर नेम्ड लेंचो, हु लाइक अदर फार्मर्स इज फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट ऑन द वेदर फॉर द क्रॉप टू राइप एंड गेट अ गुड यील्ड फ्रॉम इट टू बी सोल्ड इन द मार्केट. ये पार्ट लेंचो नाम के एक किसान पर आधारित है जो आम किसानों की तरह ही बरसात पर अपनी खेती बाड़ी की आवक पर डिपेंडेंट होता है. जितना अच्छा बरसात हुआ उतनी ही उसकी आवक अच्छी होगी. द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज जी एल फ्लुंटस. इस पार्ट के लेखक है जी एल फ्लुंटस. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट मीन्स ऑन टॉप ऑफ अ हिल. खाई में मौजूद एकमात्र घर वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी के शिखा पर मौजूद था. क्रेस्ट का मतलब है पहाड़ी की शिखा पर. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नदी और मक्के के खेत को अच्छी तरह देख सकता था. फसल के फूल हमेशा विश्वास दिलाने के कि वहाँ की फसल बहुत ही अच्छी होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. उन खेतों की एक ही ख्वाहिश थी, अच्छी मूसलाधार बारिश या कम से कम मध्यम बारिश तो ज़रूर हो. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. प्रातःकाल के समय से लेंचो ने सिर्फ एक ही काम किया था, उस दिशा में निरंतर देखता रहा आसमान में जहाँ से बादल बारिश लेकर आते हैं. अक्सर किसान को यह पता होता है कि किस दिशा से बादल आने वाले होते हैं, तो बाकी किसानों के तरह भी लेंचो भी बारिश की ही राह देख रहा था. लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली का मतलब है लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था. अब काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है, ऐसे लेंचो ने कहा. सो पाठ के इस भाग से हमने सीखा कि लेंचो एक अनुभवी किसान है, उसका खेत तैयार है. हालांकि थोड़ी सी बारिश की अभी भी ज़रूरत है. एक बार बारिश अच्छी हो जाए तो उसकी फसल पककर तैयार हो जाएगी, जिससे वो बेचकर अच्छे पैसे भी कमा सकेगा. और इसी बारिश की आशा में लेंचो, जिसने पूरा दिन नॉर्थ ईस्ट दिशा में देखते हुए बिताया था, नॉर्थ ईस्ट इसलिए लेंचो को पता था कि बारिश के बादल उसी दिशा से आएंगे. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम गुड वाटर वुमेन. बादलों को देखकर लेंचो घर पर मौजूद औरत, जो हो सकता है उसकी बीवी हो, उसे कहता है कि काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंगली. वो औरत जो खाना बना रही थी उसने बहुत उत्साह से जवाब दिया कि अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बहुत ही अच्छी बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर. यहाँ हमें पता चलता है कि लेंचो के दो से ज़्यादा बड़े लड़के भी थे और दो से ज़्यादा छोटे लड़के भी थे. के बड़े लड़के जो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के जो घर के आसपास खेल रहे थे, उन लड़कों को उस औरत ने घर में बुलाया, चलो खाना तैयार है. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. रात्रि का भोजन लेते समय ही जैसे लेंचो ने अनुमान लगाया था, उसी तरह बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. उत्तरी पूर्व की दिशा में से बड़े बड़े बादल आते हुए नजर आ रहे थे. The air was fresh and sweet. हवा में से, जिसे हम कहते हैं ना, सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो गई थी, वो खुशबू जो हमें एहसास दिलाती है कि बारिश शुरू हो गई है.
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। उसी बारिश को महसूस करने के लिए लेंचो भी घर से बाहर जाता है, उस बारिश की मजा और लुफ्त उठाने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर्न्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। घर के अंदर आते ही वो अपने बीवी बच्चों को बताता है कि ये बारिश नहीं गिर रही है, आसमान से 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्के गिर रहे हैं। यहाँ पैसे नहीं हैं, दीज आर 5 सेंट्स एंड 10 सेंट्स, ये 5 सेंट और 10 सेंट्स है। लेंचो जिस देश में रहता है वहाँ की करेंसी पैसोज है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। खेत पर आई हुई बारिश को देखकर लेंचो एकदम संतुष्ट था। लेंचो को ऐसे लग रहा था जैसे उसने पूरे खेत को बारिश के पर्दे में लपेटे हुए देखा है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। फिर अचानक से क्या हुआ, बारिश के साथ साथ ओले भी बरसने लग गए। ओले हम जाते हैं ना, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अगर हम ओलों की बारिश में खड़े रहते हैं तो हमको ओले लगते भी हैं सर पर। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये ओलों को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लेंचो के लड़के भी घर से बाहर बारिश में यह मोती के बूंदे जमा करने चले जाते हैं। यहाँ तक लेंचो बहुत ही खुश है, आनंदित है, प्रफुल्लित है। ही इज़ वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रेन दैट इज एंड ही इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ गुड यील्ड। वो आशा करता है कि फसल से पैसे काफ़ी कमाने मिलेंगे, इसलिए वो बहुत ही संतुष्ट और खुश है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। जब ज़्यादा ओले गिरते ही रहते हैं तब लेंचो कहता है अब ये बारिश सही नहीं है, इतनी बारिश सही नहीं है और उसका रूप बदल रहा है, वो एक विकराल रूप ले रहा है यहाँ पर। आई होप इट पासिस क्विकली, लेंचो कहता है मैं आशा करता हूँ ये ओले वाली बारिश यहाँ से जल्द ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। ये ओले बरसना तो बंद नहीं होते हैं, एक घंटे तक वो घर पर गिरते रहे, गार्डन पर गिरते रहे, पहाड़ पर गिरते रहे और पूरे खेत पर, पूरे खाई में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब पूरा खेत ऐसे लगता है जैसे उस पर किसी ने नमक छिड़का हो, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता है, पूरे मक्के की फसल बर्बाद हो चुकी होती है। इस भाग में हमने देखा कि बारिश कैसे अपना रुख बदलता है, ज़्यादा ओले गिरते रहते हैं, एक घंटे तक बरसते रहते हैं और पूरी फसल नाश हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। मक्के के खेत पर जो पीले कलर के फूल होते हैं सारे चले जाते हैं, अब लेंचो एकदम उदास हो जाता है। पाठ में अभी तक हमने देखा कि लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, he was very excited, but now his excitement and happiness has turned into sadness and sorrow. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locust could have left more than this. जब पूरे बरसात सब बादल चले गए और उसने जब अपने खेत को देखा, निहार रहा था, तो उसने अपने लड़के से कहा, लेंचो ने, कि यहाँ टिड का झुंड अगर आया होता तो उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ छोड़ दिया होता, उससे ज़्यादा नुकसान आज हेलस्टोन ने और बरसात ने किया है। द लोकस्ट इंसेक्ट्स आर वेरी फास्ट इन ईटिंग द होल फील्ड इन नो टाइम। ये लोकस्ट नाम का इंसेक्ट पूरे खेत को खाकर ख़त्म करने में बहुत ही जाने जाते हैं। तो लोकस्ट एज यू कैन सी इन द पिक्स बिलो आर इंसेक्ट्स दैट कम इन स्वॉर्म्स टुगेदर एंड डिस्ट्रॉय अ होल फील्ड इन नो टाइम। ये लोकस्ट जैसे हम नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, ये झुंड में आते हैं और झुंड में आकर सीधे खेत पर हमला करते हैं। हमला इस तरह करते हैं मानो पूरा का पूरा खेत साफ कर देते हैं और कुछ भी छोड़ते नहीं है किसान के लिए। लेंचो फर्दर इन्फॉर्म्स दैट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न।
रेंचो कहता है कि ये हेलस्टोन ने, ये बारिश ने कुछ भी छोड़ा नहीं है और इस साल हमें मक्के की फसल में से कुछ भी आवक नहीं होगी, कुछ भी इनकम नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो रात बहुत ही उदासी भरी रात थी। वो अपने आप से कहता है कि हमें इतनी सारी मेहनत की हमने, लेकिन उसके सामने हमें कुछ भी इनकम नहीं होगा, हमारी कोई भी मदद करने वाला नहीं है और आने वाले पूरे साल हम भूखे ही रहने वाले हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उस एकमात्र घर, सॉलिटरी मतलब एकमात्र घर में जितने भी लोग थे उन्हें बस भगवान से ही मदद की आशा थी। दे वर ओनली एक्सपेक्टिंग सम हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो यहाँ लेंचो अपने आप से या अपनी आत्मा से उसको आवाज़ आ रही है और उसे कह रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये टोटल लॉस है, ये पूरा नुकसान है, तो इसमें उदास होने जैसा कुछ नहीं है। याद रखो, कोई भी भूखा सोता नहीं है, कोई भी भूख के वजह से मरता भी नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। पूरी रात भर लेंचो यही सोचता रहता है, उसे बस एक ही आशा होती है और वो आशा होती है भगवान से, और उसे जैसे ये सिखाया गया था कि भगवान के आँखें सब कुछ देखती है, सब जगह पर उनका ध्यान होता है और भगवान की आँखें और भगवान ये भी देखते हैं कि इस एक व्यक्ति के मन में, उसके जहन में क्या चल रहा है। कंसाइंस का यहाँ मतलब है जहन में, इनर मोस्ट सोल, उसकी आत्मा क्या सोच रही है ये भी भगवान को पता होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइड। Over here, Lencho is compared with an ox, and like an animal, he used to work in the field. However, he knew how to ride. अब यहाँ लेंचो की तुलना एक ऑक्स से की गई है, बैल से। इसका मतलब ये है कि खेतों में लेंचो बहुत ही मेहनत करने का, he used to work very hard. इसके बावजूद भी उसको लिखना तो आता ही था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. Next Sunday, early morning, he decides to take a break and write a letter and post it himself through the post office. Next Sunday, जो आने वाला होता है वहाँ वो decide कर देता है कि वो खुद एक letter लिखेगा और वो letter अपने हाथों से post office में जाके post भी कर देगा. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. So as Lencho starts to write the letter, he addresses the letter to God. Over here, this is the main crux of our chapter and the name of our chapter, the letter to God. Lencho पत्र लिखने का शुरू करता है, वो एक पत्र, ये खत लिखता है भगवान को, और उसमें वो लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, आप अगर मेरी मदद नहीं करोगे, तो मैं और मेरी फैमिली दोनों भूखे रहेंगे, साल भर हमारी फैमिली भूखे रहेगी। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. So Lencho further tells God in the letter that he'll need 100 pesos. So pesos, as I have informed before, that pesos is a currency of some Latin American country where Lencho is located. And he asks for 100 pesos from God, expecting that he, with this 100 pesos, he will survive for the whole year, and he will also need the same amount of money to survive until the crop is grown again. So लेंचो खत में भगवान को लिखता है कि उसको 100 पैसोस चाहिए। पैसोस लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वहाँ की करेंसी है। तो इस पार्ट में हमको ये, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि लेंचो तकरीबन किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री में रह रहा है, और खत में वो भगवान से दो कारणवश 100 पैसोस मांगता है। एक, उसकी फैमिली को आने वाली फसल आए तब तक खाने के लिए, और फसल उगाने के लिए उसको 100 पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे ही पूरी डिटेल वो पूरे खत में लिखता है, एंड ही राइट्स द कंप्लीट डिटेल अबाउट व्हाट हैड हैपेंड विथ हिम बिकॉज ऑफ द हेलस्टोन इन द लेटर। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। अब वो एनवलप पर लिखता है टू गॉड,
और ख़त को उस एनवलप में डालता है और टाउन में जाता है, हालांकि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता ही है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस में वो जाके क्या करता है, उस लेटर पे एक स्टैम्प भी लगा देता है और मेल बॉक्स में उस खत को डाल देता है। अब आप में से काफ़ी बच्चों ने लेटर्स देखे नहीं होंगे, पोस्ट ऑफिस के विजिट भी नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है। सो दिस इज़ चैप्टर ऑफ दैट टाइम, ये उस टाइम का चैप्टर है जिस वक्त लेटर्स एक दूसरे को भेजा करने के लोग। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब वहाँ डेस्क पर बैठा हुआ पोस्ट ऑफिस का व्यक्ति, वो एक पोस्टमैन का भी काम करने का, वो ये लेटर देखकर बहुत ही दिल से जोर जोर से हंसने लगता है और ये लेटर जाकर अपने बॉस को भी दिखाता है, क्योंकि वो देखकर बहुत ही अचंभे में पड़ जाता है कि यार देखो इस बंदे ने लेटर गॉड को लिखा है। Never in his career as a postman he had known that address. एक पोस्टमैन की भूमिका जब से वो अदा कर रहा है, जब से वो पोस्टमैन का काम कर रहा है, उसने कभी ये एड्रेस देखा ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि भगवान का एड्रेस कहाँ मिलेगा भाई, ऐसा उसने कभी। दिस इज समथिंग दैट वॉज वेरी वियर्ड फॉर दैट पोस्टमैन, ये कुछ अलग चीज़ थी उस पोस्टमैन के लिए, राइट। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, मतलब वो जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था, और एमिएबल वो मतलब जल्दी से किसी चीज़ को हाँ में हाँ नहीं भर देता था, एग्री नहीं करता था, वो भी जोर जोर से हंसने लग गया और पर उसने अपनी हंसी को रोका और अचानक से सीरियस हो गया और फिर लेटर को थपथपाते हुए बोलता है क्या विश्वास है, व्हाट फेथ। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो कहता है काश मुझ में भी इतना आत्मविश्वास होता, भगवान के साथ वार्तालाप चालू कर दिया इसने लेटर के द्वारा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर। सो ये लिखने वाले व्यक्ति से तो पोस्ट मास्टर अनजान है, वो सोचता है कि इस लिखने वाले व्यक्ति का जो विश्वास भगवान में है वो कम न हो जाए, उसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस पत्र का हम वापस जवाब लिखेंगे। बट वेन ही ओपन्ड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। पर पोस्ट मास्टर जब एनवलप ओपन करके लेटर पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि सिर्फ अच्छी इच्छा शक्ति, स्याही और कागज़ पर्याप्त नहीं है, इसको और बहुत कुछ चाहिए इस लेटर को रिप्लाई करने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो पोस्ट मास्टर अपने निर्णय पर कटिबद्ध था, उसने क्या किया अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे मांगे और अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसे निकाल कर जमा किए। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी। उसके काफ़ी दोस्त भी इस चैरिटी के प्रस्ताव से खुश थे और उन्होंने भी अपना कुछ हिस्सा उसमें दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब पोस्ट मास्टर अकेले से इतना पैसा जमा करना संभव नहीं था, सो उसने आधे से ज़्यादा पैसे जमा किए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखें कि लेंचो ने 100 pesos मांगे थे, यानी 50 pesos से ज़्यादा पैसे जमा हो चुके थे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, एनवलप में पैसे डाले और उसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा सिग्नेचर करके गॉड, मतलब लेंचो के समझ में आया कि भगवान ने ये पैसे भेजे हैं और उसमें और कोई रिप्लाई नहीं दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम। सो नेक्स्ट संडे वॉट हैपन, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन द यूजुअल टाइम एंड ही इंक्वायर्ड इफ एट ऑल देर वॉज अ लेटर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर हिम। सो अगले रविवार लेंचो यूजुअल टाइम से थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस में पहुँच जाता है और पूछता है कि अगर उसके लिए कोई लेटर रिप्लाई में आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैड हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who had performed a good deed looked from his office. Over here the same postman hands over the letter to him. While this is happening the postmaster is sitting in his office where he is a bit distant and observing what Lencho is reacting. अब यहाँ लेंचो को वही पोस्टमैन वापस लेटर दे देता है और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में बैठे बैठे देखता है कि
कि लेंचो क्या कर रहा है, उसके हाव भाव को नोट करता है। यहाँ उसके मन में एक तसल्ली भी है पोस्टमास्टर के मन में कि वो थोड़ा खुश है, एक अच्छे कार्य में उसने थोड़ा सहयोग किया, थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। सो विद इन हिमसेल्फ ही इज़ अ बिट हैप्पी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। तो लेंचो को जब वो लेटर मिलता है, एनवेलप ओपन करता है, उसमें पैसे दिखते हैं और वो पैसे देखकर वो एकदम कॉन्फिडेंट था। उसके चेहरे पर कोई भी सरप्राइज नहीं दिखता है कि भाई मुझे भगवान ने पैसे भेजे हैं। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान मुझे पैसे भेजेंगे ही। ओवर हियर अगेन वी कैन नोट द ट्रस्ट एंड फेथ ओवर हियर लेंचो हैज शोन इन गॉड। यहाँ हमको भगवान में कितनी श्रद्धा और विश्वास लेंचो को थी वो दिखाई देता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। सो व्हेन ही स्टार्ट्स काउंटिंग द मनी ही बिकम्स एंग्री। जब लेंचो ने पैसे गिनना चालू कर दिया तो वो गुस्सा हो जाता है। सो विद इन हिज माइंड लेंचो स्टार्ट्स थिंकिंग गॉड कुड हैव नॉट मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब लेंचो अपने जहन में सोचने लग जाता है कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं और वो भगवान लेंचो को भी मना नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस पेज पे हमने पढ़ा कि लेंचो को गुस्सा आया। क्यों आया तो हम समझ सकते हैं कि 100 के जगह पे उसको 70 पैसों ही मिले हैं। तो अपने जहन में सोचने लगता है कि भगवान 70 पैसों भेज नहीं सकते, ऐसी गलती भगवान से हो ही नहीं सकती है और भगवान लेंचो को भी मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। तुरंत ही लेंचो ने क्या किया, वो विंडो पर जाकर, खिड़की पर जाकर उसने पेपर और पेन इंक मांगी और तुरंत ही उसने लिखना चालू कर दिया। यहाँ लेंचो भगवान से मिले हुए पैसों के रिप्लाई में वापस और एक लेटर लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रोज कॉज बाय द एफर्ट्स ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। नाउ ही हिज फेस, इफ यू ऑब्जर्व हिज फेस, देयर आर लॉट ऑफ रिंकल्स दैट आर फॉर्म्ड, यू नो दिस रिंकल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड आइडियाज इन द लेटर। अब जब लेंचो वापस लेटर लिखना चालू करता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी झुरियाँ आ जाती हैं, उस चेहरे पर थोड़ा गुस्सा तनाव दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अपने हाव भाव, अपना मन की व्यथा वो लेटर में फिर से लिखना शुरू कर देता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. After finishing writing the letter, Lencho goes to the window again, buys a stamp and he licks it because on the other side of the stamp there is some adhesive that is there that needs to be wet and damped again. So he licks it and then he puts the stamp on the envelope and to press it hardly, he gives a blow of his fist. जब लेंचो पत्र लिखना समाप्त कर देता है, वो विंडो पर जाकर और एक स्टैम्प खरीदता है, उसको अपनी ज़बान से चाटता है थोड़ा गीला करने के लिए और एनवलप पर रखकर जोर से अपनी मुट्ठी उस पर जोर से मुक्का मारता है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। सो द मोमेंट लेंचो ड्रॉप्स द लेटर इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर रशेस एंड गेट्स द लेटर एंड ओपन्स इट अप। तो जिस क्षण लेंचो पोस्ट बॉक्स में लेटर गिरा देता है तो पोस्टमास्टर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और लेटर ओपन करके पढ़ने लग जाता है। सो द लेटर सेज गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्ट फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। सो इन द रिप्लाई लेंचो इज रिक्वेस्टिंग गॉड टू सेंड द रेस्ट मनी एंड नॉट सेंड इट थ्रू द पोस्ट, सेंड इट थ्रू सम अदर मीडियम बिकॉज ही थिंक्स दैट दी पोस्ट ऑफिस गाइज एम्प्लॉयज आर चीट्स, दे आर लूट्स, दे आर लाइक लुटेराज। उन्होंने क्या किया, लेंचो को क्या लगता है, वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से मुझे 70 पैसों ही भेजे हैं, मिले हैं सॉरी, तो आप 100 पैसों में से 70 मिले हैं तो दूसरे 30 पैसों आप किसी और माध्यम से मुझे भेजिएगा, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के हाथों मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस में सारे चोर लुटेरे बैठे हैं। तो यहाँ लेंचो को क्या लगता है कि भगवान ने 100 पैसे भेजे थे, 70 मुझे मिले, 30 ये एम्प्लॉयज़ खा गए। यहाँ इंसान की मनोस्थिति हमको पता चलती है। हम बहुत बार कहते हैं ना कि इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेंचो को भी ऐसा लगता है कि मैं क्यों इन पे भरोसा करूँ, या शायद उसको भरोसा नहीं होता है, उसको भगवान पे भरोसा ज़्यादा होता है। और यहाँ हमने ये भी बात सुनी होगी, बहुत बार कहावत सुनी है कि भलाई का ज़माना नहीं रहा। अब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ सारे ये मिलकर सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति को कितना विश्वास है भगवान पर, चलो हम उसकी थोड़ी मदद कर दें, 100 पैसों जमा करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, फिर भी वो जमा करते हैं, 70 पैसों तक जमा हो जाती है। लेकिन एंड ऑफ द डे उनको पता चलता है कि लेंचो के मन में अब क्या चल रहा है। सो फिर से ये पार्ट आपको समझाने के लिए, लेंचो एक किसान होता है,
मक्के की खेती करता रहता है, मक्का उगाया हुआ है, तैयार हो गया है क्रॉप, एक बारिश की आशा है, बारिश आती है लेकिन वो धीरे धीरे बारिश उग्र रूप धारण कर देती है, ओले गिरते हैं, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। रात को लंचो सोचता रहता है कि अब मुझे कौन मदद करेगा, जहन से आवाज़ आती है, अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि भगवान की हेल्प तो है ही, तो भगवान को दूसरे दिन लेटर लिखता है, लेटर के रिप्लाई में वो भगवान से मांगता है कि मुझे 100 पैसोस दे दो, लैटिन अमेरिकन की करेंसी है। भगवान रिप्लाई में कुछ नहीं भेजते लेकिन भगवान के रूप में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पैसे जमा करके 70 पैसोस देते हैं। लंचो पैसे गिनता है तो और गुस्से हो जाता है और बोलता है, वापस रिप्लाई करता है भगवान को और बोलता है कि भगवान आपने जो 100 पैसोस भेजे थे उसमें से मुझे 70 मिले हैं, 30 पैसोस ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने खा लिए हैं, तो कृपा करके आप वापस मुझे 30 पैसोस और भेजिए। जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर अगेन। लंचो अ फार्मर has grown corn, he is expecting a good rain. Rain arrives at night but it turns into hailstones. Hailstorm. The whole crop is destroyed. He expects good return but he end of day ends up getting nothing. In the night he decides to write a letter to God. He requests God to send him 100 pesos. In reply the post office employees collect 70 pesos and send it to him, to which Lencho gets angry and he requests God to send again the 30 pesos but through some other means and not via post office because he thinks that the post office guys are crooks. Thank you friends, do not forget to like and subscribe my channel. Shukriya dosto, meri channel Guru Gyan Vani ko like aur subscribe karna na bhule aur isko apne friends ko bhi forward kare. Thank you.